हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हों यूपी एएसआई और एसआई का जो डीवीपीएसटी होना है उनके जो हैं एडमिट कार्ड लिंक जो है अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है, वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। और मई में इस वीडियो में आपसे ये भी बात करूँगा कि जिन भी कैंडिडेट का जितनी कट ऑफ गई है उतना ही मार्क्स हैं तो वो फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप हमारे मार्क्स कट ऑफ से एक नंबर ज़्यादा है या दो नंबर ज़्यादा है तो हम फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। तो इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो जैसा कि मैं कट ऑफ पे ही चलता हूँ, एएसआई का जो रिज़ल्ट है वो आपका आया था, आयोजित ये शायद ये आपका रिज़ल्ट था, ये डाउनलोड हो रहा है। ये आपकी कट ऑफ थी एएसआई की, आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो अनारक्षित के लिए यूआर के लिए 313 थी। अगर आपके मार्क्स 320 के आसपास हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप ट्रेनिंग कीजिए, आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 301 वाले की, यानी कि अगर आपके कट ऑफ जितनी भी गई है उससे आपके 7 से 10 मार्क्स अगर ज़्यादा हैं तो आपको इजीली पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के बराबर ही हैं, जैसे आपके 213 कट ऑफ गई है तो 313 ही मार्क्स हैं और 313 कट ऑफ गई है तो भी आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आपको डीवीपीएसटी कराना होगा और आपको फिजिकल में पास होना ही होगा। फिजिकल में पास आपको ज़रूर इसलिए होना होगा क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपके जो बैच के थे या आपके जो कैटेगरी के थे वो सभी फिजिकल पास कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, तो इतने नंबर पर भी आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके कट ऑफ के बराबर बराबर मार्क्स हैं उसको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इजीली। अगर मैं बात करता हूँ फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल कैटेगरी को थोड़ा ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अगर उनकी जो ट्रेनिंग है वो अभी तक भी कंप्लीट नहीं हो पाई है, उनको अभी टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वो अपनी प्रैक्टिस और ज़्यादा कर दें। ये स्पेशली गर्ल के लिए है, अपनी प्रैक्टिस और ज़्यादा कर लें क्योंकि अब से एएसआई की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको बस ट्रेनिंग के लिए 20 दिन आप मानकर चल सकते हैं। 20 दिन से ज़्यादा का समय आपको ट्रेनिंग के लिए नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए आप अपनी ट्रेनिंग पर अभी से फोकस रखें और अपनी ट्रेनिंग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं इस वीडियो के अंदर कि एएसआई के अंदर अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से कितने ज़्यादा होने चाहिए, आपको जो वैकेंसी है कोई से एक पोस्ट मिल जाएगी और आपको कैसे कैसे फिजिकल की तैयारी करनी है और फिजिकल की डेट आपकी कब तक आ सकती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। थैंक यू।